नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आगाज करेंगे पॉजिटिव खबर के साथ। अमूमन ये शिकायतें आती हैं कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इस कोविड-19 के दौरान मरीजों की हेल्प नहीं करता है, लेकिन हमने देखा आज जो दृश्य हम आपको दिखाएंगे, जिस तरीके से मोराल बूस्ट किया जा रहा है, किशोर दा का वो गीत जो अंदाज फिल्म का 1971 में ये गाया गया था, लिखा था हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन ने उसकी धुन बनाई थी, उस गाने पर जिंदगी एक सफर है सुहाना, इस गाने को गा गा कर पूरा पैरामेडिकल स्टाफ अपने मरीजों को मनोबल बढ़ा रहा है। और मरीजों से जब हमने बातचीत की, यानी ये एक ऐसा गीत है जिस गीत से मरीज अपने आप को बड़े संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, और जो माहौल वहां पे क्रिएट किया गया है, जो माहौल वहां पे बनाया गया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का अगर माहौल सभी हॉस्पिटल्स में हो तो मोर्टेलिटी रेट लगातार गिरेगी। लेकिन कुछ अस्पतालों में शिकायतें आती हैं, लेकिन जो SMGS हॉस्पिटल का ये दृश्य है, ये वाकई में एक मिसाल है। एक बार आवाज लगाते हैं, 10 बार आते हैं। हमें बड़ी खुशी है, हर टाइम पे टाइम ये देखभाल करते हैं। सब हर चीज़ हमें प्रॉपर मिल रही है, खाने को भी मिल रहा है, ऐसे ट्रीटमेंट अच्छा दे रहे हैं। ये नर्सिस बहुत अच्छी है, मैडम सब बड़े अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, और हर टाइम सफाई वगैरह सब कुछ टाइम पे टाइम टू टाइम सब कुछ मिल रहा है। मेरा नाम संतोष है। मैं जहाँ पिछले 9-10 दिन से जहाँ SMG में एडमिट हूँ, और जहाँ का जितना भी स्टाफ है, इतना हम साफ देते हैं, इतनी कोई फैमिली नहीं हो सकती है। मतलब कि बहुत अच्छा टीम है हमारे साथ, जितना भी स्टाफ है, जाएंगे सिस्टर हैं, ये बेटी जैसे डॉक्टर लोग हैं, जितने भी हैं, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और हमें जहाँ कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी मेडिसिन को लेके, या जब भी हमें किसी की हेल्प चाहिए, हर कोई अवेलेबल ही रहा है हमारे साथ। मुझे लगता है जितने भी हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट SMGS में ही हो रहा है। मैं तो इवन जब बाहर भी जाता हूँ तब भी यही बोलता हूँ कि SMGS में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, और काफ़ी पेशेंट मेरे सामने सामने रिकवर होकर गए हैं। डेथ रेट मुझे लगता है यहाँ पे शायद निगलेजिबल है, ना के बराबर है, और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, और यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव है। हम कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो हेल्प करते हैं। अभी जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेशन दिया, सारे पेशेंट्स को मोटिवेट हुए हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द नर्सिस एंड डॉक्टर्स। दर्शकों, कोविड-19 के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों को एक आर्थिक सहायता दी जा रही है, खासतौर पर जिन परिवार के ब्रेड अर्नर्स की डेथ हो जाती है, या स्टूडेंट्स जो स्कूल में जाते हैं उनको 20,000 तक स्कॉलरशिप दी जा रही है, 40,000 तक स्कॉलरशिप उनको दी जा रही है जो कॉलेजेस में जाते हैं। इन सब के बीच में सक्षम एक योजना है, इस योजना के तहत मरहम भी लगाई जा रही है और आर्थिक हेल्प भी की जा रही है। The only seal to his memory is the sincerity and rectitude of his actions. It is very, very imprudent in life to go without this seal. But with this seal, however the fate may play, our march is always in the rank of honor. Ever since I read these words nearly 20 years ago in the biography of Winston Churchill, they were imprinted on my mind, and I decided that these lines will be the guiding principle of my life. So I quoted it. बातचीत के दौरान उस दिन मैंने आपसे चर्चा की थी कि प्रशासन उत्तरदायी हो जवाब।
दर्शकों, पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके उपराज्यपाल की सक्षम योजना का सबने स्वागत किया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अपनी पार्टी हो। सबका कहना है कि वक्त इस वक्त मरहम लगाने का है, सेवा करने का है, उन लोगों को, उन परिवारों को आर्थिक सहायता फराहम कराने का है जो कोविड-19 के कारण जिनको दुख हुआ है, जिनके परिवार के कोई सदस्य जिनकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है वो वाकई ही तारीफ के काबिल है। देखिए, कोविड महामारी ने बहुत से लोगों पे बहुत जुल्म ढा है। ऐसे यतीम बच्चे रह गए हैं जिनका कोई सहारा नहीं, ऐसे बुजुर्ग रह गए हैं जिनका कोई जो है ब्रेड अर्नर नहीं और उनका कोई सहारा नहीं। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए राहत का पैकेज अनाउंस किया है कि जो ऐसे बुजुर्ग होंगे उनको जो है वो पेंशन का प्रावधान रखा जाएगा, जो ऐसे बच्चे रह गए होंगे यतीम उनके लिए कोई स्कॉलरशिप का प्रावधान रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कदम है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि केस टू केस देखा जाए। ऐसे बहुत से जो है वो लोग होंगे जिनके भिन्न भिन्न केस होंगे और कई किस्म की मुसीबतों से होंगे, इसलिए हर उस परिवार जिसमें कोविड की वजह से इस तरह की बहुत ही संकट भरी जो है वो सिचुएशन बन गई है, उस परिवार को सरकार की तरफ से माकूल सहायता होनी चाहिए। और आज हमारे स्टेट में माननीय एलजी के द्वारा ये जो स्कीम योजना जो लागू की गई है सक्षम योजना के नाम से, वो एक सराहनीय कदम है, वो स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे जो डिसेबल बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। जो ऐसे लोग हैं जो कोरोना से त्रस्त रहे हैं, ग्रस्त रहे हैं, ऐसे परिवारों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, और जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनमें एजुकेशन, उनकी शिक्षा के लिए जो प्रबंध किया गया है ये सराहनीय है, उनको भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, मुझे लगता है कि उनसे कुछ ना कुछ उनकी गुजर बसर, उनकी पढ़ाई के लिए जो भी सरकार की तरफ से उन्हें मदद दी जाएगी वो सराहनीय कदम है और इसका स्वागत है। आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम का लॉन्च किया है जिसका नाम सक्षम रखा गया, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें कोविड से नुकसान पहुंचा है, जिन्होंने अपने घर के लोग खो दिए हैं। तो स्पेशल स्कीम में सबसे पहले 1,000 रुपये का पेंशन रखा गया, स्पेशल पेंशन, जो घर के जो सीनियर होगा, घर का मेंबर, उसके लिए होगा, और ताकि वो घर के अपने पर्सनल जो उसके ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके। दूसरा नंबर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, ताकि वो हर साल उनको 20,000 रुपीज़ स्कूल की जो उनकी एजुकेशन के लिए उनको एक पेंशन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सेकेंड, उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन रखी कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज जाते हैं उनके लिए 40,000 रुपीज़ एक ऑप्शन रखा गया, जो कि अपने कॉलेज की जो एजुकेशन है उसको पूरा कर सकें। इसके साथ साथ वो लोग जो और काम कर सकें अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए और कुछ करने के लिए, उनके लिए भी स्पेशल एक कंसर्न रखा गया थ्रू। देखिए, हम स्वागत करते हैं ये जो सक्षम योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 पैंडमिक के चलते खो दिया है, और मुझे लगता है कि इससे उन बेसहारा यतीम बच्चों को आसरा मिलेगा और कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, अगर सरकार ने उठाने का ये कदम उठाया है सक्षम योजना के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो सराहनीय है और हम इसका स्वागत करते हैं। पर इसके साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तबका एक जो है जिसने 2 लॉकडाउन्स को झेला है, और जो आम आदमी, रोज़ दिहाड़ीदार आदमी जो है, जो रोज़ कमा के खाने वाला है, जो डेली वेजर टाइप लोग हैं, जो रोज़ रेड़ी वाले, फड़ी वाले,
और जो माता वैष्णो देवी में यात्रियों को ले जाते हैं, पिट्ठू घोड़े वाले और तमाम इस तरह के लोग, चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स हों, उन सब के लिए एक कंबाइंड पैकेज जो है वो कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत है। और प्राइवेट सेक्टर में भी जहाँ तक मुझे लगता है सरकार को एक ऐसे पैकेज के साथ आना चाहिए, चाहे वो कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो जम्मू में हमारे रिलीजियस टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हों और आम आदमी के लिए। ये जो योजना एलजी साहब ने अनाउंस की है कि जो कोरोना के कारण जिन घरों में कमाने वाले जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन लोगों के लिए जो पेंशन स्कीम जो है, जो जम्मू कश्मीर सरकार ने अनाउंस की है, इसका मैं वेलकम करता हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कि 1,000 रुपये में आज गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है, तो कम से कम जो मिनिमम 5,000 रुपया जो है वो इनको दिया जाना चाहिए ताकि वो इस मुसीबत की घड़ी से निकल सकें। लेकिन फिर भी एक शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार ने की है, तो ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश की जाए कि लोगों की जानें बचाई जाएं। दर्शकों, वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन की बात करें तो उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। उनका ये कहना है कि ठीक है सक्षम योजना ठीक है, लेकिन जो पहले से हमें बड़े लंबे समय से हम कारोबार में लगे थे, जिसे हमें हटाया गया, हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं घातक है, एक्साइज एक्ट का उल्लंघन है। आज वाइन ट्रेड एसोसिएशन से दोबारा आपको रिक्वेस्ट की है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आए दिन आज आप सुन रहे हैं कि काफ़ी सारी ये जो महामारी है ये बहुत सारी फैल चुकी है, और आए दिन रोज सुनने को आता है कि आज 40 लोग, 60 लोग, 50 लोग, 70 लोग जो हैं हमारी ड्यूटी में अपनी जान से पहले कि हम अपने हृदय की गहराइयों से उन लोगों के प्रति और उन लोगों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। आज जो ये मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं लाइसेंस इशू करने का, ये टोटली वायलेशन है एक्साइज एक्ट एंड रूल की। और यहाँ पे जो ऑफिसर बैठे हैं वो अपनी स्किन सेव करते हुए और अपने आप इनको एक विंडो दे रहे हैं कि भाई आप टेम्परेरी लाइसेंस लो और कोर्ट में जाओ और स्टे लाओ। और दूसरी बात ये है कि इनका अगर ट्रैक आप देखें, इनका ये ट्रैक रहा है कि कोई भी पॉलिसी जहां पे ये काम करते हैं, 2-4 महीने में काम करते हैं और पॉलिसी को खुद ही फेल करते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ इनका बॉन्डिंग होती है, कहीं भी बाहर देख लें, यूपी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी मर्जी से पॉलिसी बनवाते हैं और अपने मर्जी से काम करते हैं। और शराब जो है आज जो पकड़ी जा रही है ये अब रुकने वाली नहीं है, क्यों कि इतनी इतनी महंगी दुकानें इन्होंने खरीदी है, यही शराब ये दुकानों पर बिकेगी। और हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट जो है जो इतना एक अच्छा सिस्टम में चलता था और एक उसको कहीं ना कहीं पे नाकामयाबी जो है वो मिलेगी। और जो ऑफिसर जो आज हैं और जो पहले थे, उन्होंने गवर्नमेंट की आंखों में भी धूल झोंकी, पब्लिक की आंखों में भी धूल झोंकी, माफिया माफिया कह के उन्होंने ये उछाल दिया, आज उन्होंने खुद माफिया लाया और हमारे इनोसेंट लोग जो हैं इनके हाथों मारे गए। और ये मैं कहूंगा ये मर्डर ऑफ फैमिली है। आप ये जान सकते हैं कि जब किसी की रोटी रोटी जाती है तो मर्डर ऑफ फैमिली होता है, और इस गवर्नमेंट ने जो है मर्डर ऑफ फैमिलीज किया है। और मैं ये कहूंगा गवर्नमेंट से कि आप हमारे बारे में सोचें। दर्शकों, पंचायत कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पंचायत कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने आज बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू उन्होंने उठाया है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से कोविड टेस्टिंग होती है, कोविड टेस्टिंग के बाद मरीजों को आइसोलेट होने के लिए भेज दिया जाता है, जो मरीज गांव से हैं
वो पढ़े लिखे नहीं है, उसके बाद वो SOPs को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके साथ साथ तो संक्रमण फैलने का एक आशंका बनी रहती है। उनका ये कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को सीधी सीधी इंफॉर्मेशन पंचेज और सरपंचेज को भी देनी चाहिए कि फलां व्यक्ति जो है पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद पंचेज सरपंचेज उसकी निगरानी रखे, उसको घर में आइसोलेट रखे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होने के कारण लगातार ग्रामीण हल्कों में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसमें से एक कोई गलती करेगा तो सारे गांव में घूमेगा, सारा गांव पॉजिटिव कर देगा। लेकिन 20 दिन मुझे कहा हुआ, लेकिन किसी ने इस पर गौर नहीं किया। और आज गांव में कंडीशन ये है कि ये बहुत फैला हुआ है और आज भी ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से हमारे गांव में ज़्यादा ये वायरस फैला है। 20 दिन पहले मेरी SDM साहब से बात हुई थी और मैंने उनको ये कहा था कि जनाब जैसे ही केस कोई गांव में पॉजिटिव आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सरपंचों पंचों को हमें दी जाए, ताकि हम लोग ये ध्यान रखें कि जो पॉजिटिव केस आया है वो घर में बैठा है या गांव में घूम रहा है, क्योंकि गांव में अनपढ़ता होती है, लोग समझते नहीं इस बात को। और ऐसा हुआ, इन्होंने किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी केस पॉजिटिव आया, इन्होंने कहा जाओ घर में जाकर बैठो। और गाँव में बहुत सारे गाँव में ऐसा हुआ कि 10 केस पॉजिटिव आए, 8 घर में बैठे, 2 बाहर घूम रहे। जो पॉजिटिव केस आता है उसके घर वालों का भी सबका चेकअप होना चाहिए। मैंने देखा है, खुद मैंने देखा आंखों से कि केस जो पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, गांव में लोग गरीब होते हैं, वो बेचारे घर में ही रहते हैं या घर से बाहर घूमते हैं, उनका कोई चेकअप नहीं होता है। अगर उन्होंने चेकअप करने के लिए अपना टेस्ट कराने के लिए जाना है तो कोई उनके लिए सुविधा नहीं, गाँव में कौन उनको लेकर जाएगा, क्योंकि हर कोई डरता है। दर्शकों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बुलेटिन क्या कहते हैं ये हम आपको बताते हैं। आज हमारे जो GMC और इसके कोविड हॉस्पिटल्स हैं, एसोसिएटेड हॉस्पिटल, उसमें आज काफ़ी ज़्यादा हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रही है। तो लास्ट 24 आवर्स में अगर मैं पहला ही यही शुरुआत ही मैं उससे करता हूँ कि डेथ से, तो हमारी 9 डेथ रिपोर्ट हुई हैं और ये सारी डेथ GMC हॉस्पिटल में हुई हैं। तो बाकी हमारे पेशेंट्स जो डिस्चार्ज हुए लास्ट 24 आवर्स में, वो हमने टोटल 11 पेशेंट्स डिस्चार्ज किए हैं। और जो हमारी लास्ट 24 आवर्स में एडमिशन हुई हैं, वो भी हमें कम ही पेशेंट्स अब हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं। तो 24 हमारी एडमिशन लास्ट 24 आवर्स में हुई हैं। तो इस वक्त हमारे टोटल बेड जो हैं 60 से, हमारे ऑक्यूपेंसी इस वक्त 491 बेड हमारे ऑक्यूपाइड हैं। तो हमारा कल भी जैसे मैंने बताया, तो हमारे पास ऑक्सीजन का जो स्टेटस है, ऑक्सीजन हमारे पास सरप्लस है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे 2000 LPM के प्लांट्स दोनों हमारे ट्रायल पर चल रहे हैं। तो नए जो कि हमारे 2400 LPM के प्लांट पे वो फुली फंक्शनल हैं, LMO हमारा डेली आ रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर इस वक्त हमारे पास सरप्लस है, हमारी कंजम्पशन से ज़्यादा हमारा अच्छा बफर हमारे पास मेंटेन है। दूसरी बात, मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज हमारा वार्ड 4 में एक लेडी प्रेगनेंट थी, उनकी सैचुरेशन कम थी, गांधीनगर हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, फिर हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए। दर्शकों, किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ के ग्रामीण हलकों में लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव मामले अगर ग्रामीण एरिया में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए दिक्कत का सबब बन जाता है। लेकिन GM सरूरी जो फॉर्मर मिनिस्टर भी है, कांग्रेस के बड़े नेता है, आयु तो
देखिए जहाँ की ये कोविड 19 की बात है, ये पहले अर्बन एरिया में तो ज़्यादा इसका फ्लो था, मगर अब जो है देखने को जा रहा है कि वो रूरल एरिया, फार फ्लांग एरिया, बैकवर्ड एरियाज जो हैं उनमें भी काफ़ी हो रहा है। जैसे कल ही छात्र मुगल मैदान के एरिया, जो मुगल मैदान ब्लॉक है, उसमें 20 लोग जो मुलछतर गाँव है वहाँ पर निकले, पूरा एरिया है वो पंचायत है, तो वहाँ DC साहब भी कल गए थे, मगर क्योंकि वो हिस्ट्री उनकी जो है वो बाहर से जो लेबर वगैरह आते हैं लोग SOP का पालन नहीं करते हैं, उसकी वजह से ही होता है। जहाँ पे तालुक के किश्तवाड़ का वैक्सीन भी हो रहा है, टेस्टिंग भी हो रहा है, मगर मैं गुजारिश करूँ कि टेस्टिंग और ज़्यादा होनी, जैसे कल ही सरथल के 3 लड़के आए, उनको टेस्ट किया, तीनों के 3 पॉजिटिव निकले। आप देखें चिल्ली बलेसा वगैरह एरिया में 30 और 37 के करीब जो पॉजिटिव कल की डेट में निकले हैं। यहाँ तो इकदाम सरकार ने किए हैं, मगर उसके साथ साथ खसूसी तौर पे जो सिकदी का एरिया है वहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग नंबर 1 बनी हुई है, मगर उसमें पिछले 2 साल से न डॉक्टर है न पैरामेडिकल्स का स्टाफ है, लॉक करके है। इसी तरह से आप देख रहे हैं 2 दिन से खबरें चल रही है, पहलगाम का सब सेंटर है 1 साल से बांधे, जबकि मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, CMO, DC सबके नोटिस में 6 महीने पहले बात लाई, कल फिर मैंने उनको गुजारिश की, मगर उसके बावजूद भी कोई इकदाम। इसी तरह से बहुत सारे सब सेंटर हैं जो बंद हैं। हमारे यहाँ डॉक्टरों की रूरल एरिया में कमी को हो, पाडर हो, मड़वा हो, दच्चन हो, छात्र हो, बंजुआ, सुरूड़ो, सरथल, कोतवाला या भलेसा का रहे या रामन डोडा का रहे, यहाँ बहुत किल्लत है डॉक्टरों की, 100 के करीब पोस्टें खाली हैं। ये जो पैरामेडिकल के हैं जो 250-300 करीब खाली, जब LG साहब ने कहा एक तो हम किट देंगे जो पॉजिटिव के, वो भी नहीं पहुँच रही पूरी अभी, उसके साथ साथ उन्होंने कहा जो ट्रेन शुदा JNM यहाँ लड़कियाँ हैं, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेनिंग शुदा लड़के हैं या FMPLW करके हैं, उनको यहाँ टेम्प्रेरी बेस पे लगाना चाहिए। जैसे अभी पंचायत में आपने 5-5 बेड दिए, कौन देखेगा उनको? क्या उनको टीचर देखेगा? क्या उनको VLW या JRS या BDO देखेगा? उनके लिए वहाँ पर टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। दर्शकों, ऑटो चालकों की बात करें तो ऑटो चालकों ने एक सेवा शुरू की है। GMC हॉस्पिटल के बाहर जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पर वो मरीजों को जो दूर दराज एरिया से आते हैं, जो रजौरी, पुंछ, बसोली, डोडा, किश्तवाड़ से आते हैं, उनको मेडिकल कॉलेज से SMGS तक जाना पड़ता है या साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है, उनके लिए वो मुफ्त सेवाएँ उन्होंने किया है। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है कि सरकार ने उनकी सुध नहीं ली है। पिछले साल भी जब पहली वेव थी तब भी कोई सरकार की तरफ से पैकेज नहीं देगा। इस बार भी उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिन्यू करवाने की डेट आ गई है, लेकिन वो रिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जब तक COVID-19 रहता है सरकार को चाहिए कि इसमें उनको रियायत दी जाए। क्योंकि जो गरीब तबका चल रहा है थोड़ा बहुत 150 या 200 रुपया कमा रहा है, ऐसे तो 200 कमा रहे थे सरकार दे दी। तो बाकी रही बात गवर्नमेंट की तरफ से, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। पेट्रोल का देखो, पेट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने, कागज़ देखो डबल कर दिया, हर तरफ से गरीब को मार पड़ रही है। ट्रांसपोर्टर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, ट्रांसपोर्टर बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम सुबह घर से 6 बजे निकलते हैं, शाम को पहला नंबर 4-4, 5-5 फेरे हमारे लगते हैं शालामार हॉस्पिटल के सुपर के, हम किराया नहीं लेते, अपनी जेब से पेट्रोल डाल रहे हैं, कोई हमें गवर्नमेंट पेट्रोल नहीं दे रही, जेब से डाल के हम चल रहे हैं। शाम तक 200-300 रुपया बनता है, वो हम 200-300 में से गाड़ी में तेल डालें या बच्चों को खाना खिलाएं, कैसे करेंगे? गवर्नमेंट हमारी तरफ बिल्कुल देख ही नहीं रही। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान दे। एक केजरीवाल ने पिछले लॉकडाउन में भी हर टैक्सी वाले को, ऑटो वालों को अपनी जेब से पैसे दिए, इस बार फिर दिए,
मगर हमारे जम्मू में कोई ऐसा है ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे तो किसी के मदद की जाए कोई। पिछले साल भी हमें सर यही प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं वो ड्यू हो गए हैं सारे, तो है काम तो है नहीं है कि जिससे हम डॉक्यूमेंट भरवा सकें, तो ये हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जब तक ये लॉकडाउन है तब तक ये डॉक्यूमेंट वगैरह फ्री करें। वही पिछले साल हिसाब था, वही इसी साल हिसाब है, तो डॉक्यूमेंट अभी ड्यू हो गए हैं सबके, लगभग ड्यू हो गए हैं। तो हम ये सिर्फ यही चाहते हैं जो कोरोना के टाइम के जितने भी महीने हैं चाहे साल है जो भी है उसका हमें फ्री किया जाए, तो अगर वो ना ही उसकी कोई ओवर फीस ली जाए तो फ्री किया जाए, तो अगर हम भी चलो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे हो सके। दर्शकों, कोविड 19 के बीच रियायतों का दौर भी जारी है। आज दुकानदारों को रियायतें दी गई थी जिसके चलते आज इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स खुली। पहली बार जब से कोविड 19 की वेव 2 आई है, जब से ये लॉकडाउन लगा है, उसमें पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुली। चल थोड़ी और दर्शकों, पूर्व सैनिक हमेशा ही तत्पर रहते हैं। इस महामारी के दौर में पूर्व सैनिकों ने, मैं प्लांवाला की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जितने भी पूर्व सैनिक हैं उन्होंने वहाँ पर एक अभियान चलाया है। लोगों के घरों में जाकर के सर्वे कर रहे हैं, लोगों का सर्वे कर रहे हैं, क्या किसी घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी तरह के लक्षण तो नहीं है। अगर लक्षण पाए जाते हैं तो फिर डॉक्टर से संपर्क करके उनको दवा भी देते हैं। यानी पूर्व सैनिक भी इस वक्त अपना पूरा डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं ताकि लोगों की सेवा की जा सके। हम लोगों ने सोल्जर बोर्ड ने भी कुछ जिम्मेवारियाँ दी है और अपनी मर्जी से हम लोग पिछले साल भी जब ये काम हुआ था तब भी लोगों घर घर जाकर समझा रहे थे, और तब तो इतना अवेयरनेस ना, अभी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को कर रहे हैं कि ये महामारी है। कोविड जो है एक महामारी का रूप धारण कर लिया, इसमें ब्लैक फंगे हो गया, वाइट फंगे भी हो गया, इसलिए लोगों अवेयर कर रहे हैं कि पहली बात तो घर से मत निकलो, अगर कोई ज़रूरी काम है तभी घर से निकलो और मास्क लगा के, और जो काम है आप जल्दी करके आके वापस, बच्चों को भी घर के बाहर मत रखो, अपने आप सेफ रहो, अंदर ही रहो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग इससे कंटेक्ट करते हैं, पूछते हैं, तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब जो मदद हो सकती है वो करते हैं। जब से ये महामारी पड़ी है पिछले साल से 2020 अप्रैल मार्च से, तब से हम जा करके लोगों को, मतलब बाकी काम छोड़ करके हम इसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और किसी को परेशानी होता है तो वो अपने जिला सैन बोर्ड को इतला दे रहे हैं, और नज़दीक हमारे यहाँ 52 ब्रिगेड है तो मतलब उनको भी मतलब है वहाँ से मदद लेते हैं, काफ़ी सारी हमारी मदद करते हैं, डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, और अभी तक मतलब है काफ़ी लोगों की मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। एक सर्विसमैन मिलकर टोली टोली अपनी दो चार बंदे मतलब इकट्ठे होकर के अपने अपने मोहल्ले में जाकर के मतलब ये परेशानियाँ दूर कर रहे हैं, जो
चल नहीं सकता है, जो चल सकता है वो हॉस्पिटल में जहाँ जा करके मतलब अपने टेस्ट करवाता है और उसको मतलब देखते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पॉजिटिव है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त।